हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं सुशांत सिंह राजपूत के इस फोटो को कुछ इस तरीके का लुक देने वाला हूँ और इसके लिए मैं पिक्सआर्ट नाम के एक फोटो एडिटिंग ऐप का यूज करने वाला हूँ। पिक्सआर्ट को आप गूगल प्ले स्टोर में जाके बिल्कुल फ्री में इंस्टॉल कर सकते हो। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहले पिक्सआर्ट को इंस्टॉल कर लीजिए और फिर इसको ओपन कीजिए। जब आप पिक्सआर्ट को पहली बार ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे नीचे आप प्लस का एक बटन देख सकते हो, इस बटन पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे ऊपर फोटोज का जो सेक्शन है, यहाँ पे आपके गैलरी के सारे फोटोज शो होंगे। यहाँ पे ऑल फोटोज पे क्लिक करके आप अपने गैलरी के सारे फोटोज को एक्सेस कर सकते हो। तो मैं एक फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अभी इस फोटो का जो बैकग्राउंड है इसको मुझे पहले रिमूव करना होगा, इसलिए मुझे फोटो को उसके बैकग्राउंड से कट करना होगा। और इसके लिए यहाँ पे नीचे जो कटआउट का टूल है इसका हम यूज करेंगे। कटआउट के टूल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आउटलाइन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे ब्रश का साइज बाय डिफॉल्ट 25 सिलेक्ट रहता है, तो इसको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहने दीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से ब्रश साइज को एडजस्ट कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से अपने फोटो को कट कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने कैरेक्टर के आउटर लाइन को मार्क करते जाना होगा। एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद आपको ऊपर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना होगा और जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपका जो कैरेक्टर है फोटो में वो कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर प्रोमिनेंट तरीके से आपका कैरेक्टर सिलेक्ट नहीं होता तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्टोर और इरेज का ऑप्शन दिया हुआ है। जो पार्ट छूट जाता है वो आप बिल्कुल इसी तरीके से रिस्टोर वाले बटन पे क्लिक करके फिर से ऐड कर सकते हो। और अगर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट फोटो का सिलेक्ट हो जाता है, यानी बैकग्राउंड में कुछ हिस्सा सिलेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पे इरेज पे क्लिक करके आप उस हिस्से को रिमूव कर सकते हो। बस आपको जितना हो सके सिर्फ अपने फोटो के कैरेक्टर को इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ पे ऊपर में जो सेव का बटन है इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। आप देख सकते हो हमारे फोटो का जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो चुका है। अभी ये फोटो ट्रांसपेरेंट इमेज बन चुका है। अभी सबसे पहले आपको इस फोटो को अपने गैलरी में सेव कर लेना होगा। फोटो सेव हो जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर डन बटन पे क्लिक करना है। आप इस वाले पेज पे चले आओगे, फिर से आपको यहाँ पे नीचे का प्लस बटन क्लिक करना है और फिर ऑल फोटोज में क्लिक करके अपने गैलरी में से किसी एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों आप बैकग्राउंड को गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऐसे बहुत सारा वेबसाइट है जहां पे आपको कॉपीराइट फ्री बैकग्राउंड इमेज मिल जाएगा। यहां पे मैं एक कलर का बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी टूल्स में जाऊंगा, यहाँ पे क्रॉप टूल आप देख सकते हो एकदम पहले ही है। क्रॉप टूल को मैं सिलेक्ट करूंगा और स्क्वायर शेप में इस बैकग्राउंड को मैं कट कर लूंगा। अभी यहाँ ऊपर डन के बटन पे क्लिक करना है तो आपका बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। बैकग्राउंड सेट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ड्रॉ के ऑप्शन पे चले जाना होगा। यहाँ पे जैसे ही आप ड्रॉ के ऑप्शन पे चले जाओगे तो आपको सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ करना है। सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद फिल पे क्लिक कीजिए, ओके पे क्लिक कीजिए और फिर अपने हिसाब से आप जिस तरीके से एडिटिंग करना चाहते हो उस तरीके से एक सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए। कोशिश कीजिए इस सर्कल को अपने बैकग्राउंड के बीचों बीच रखने का, जिस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे आप ऊपर डन बटन पे क्लिक कर दीजिए। अभी हमने जिस ट्रांसपेरेंट इमेज को सबसे पहले बनाया था उस ट्रांसपेरेंट इमेज को यहाँ पे लाएंगे। यहाँ पे ऐड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके आप किसी भी इमेज को यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट इमेज को इंपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने हिसाब से इमेज को एडजस्ट कर लेना है। देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे इमेज को एडजस्ट कर रहा हूँ। इमेज को एडजस्ट करने के बाद इमेज का जो ऑपेसिटी है उसको आप पहले कम कर दीजिए। यहाँ पे मैं ऑपेसिटी को कम कर रहा हूँ। इमेज का ओपेसिटी कम करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर इरेज का जो बटन है इस इरेज वाले बटन पे क्लिक करना होगा। फिर से यहाँ पे इरेज का बटन आप देख सकते हो, इस पे क्लिक करना होगा और आउटर में जितना भी आपका इमेज है, सर्कल के बाहर जितना भी आपका इमेज शो हो रहा है उसको आपको यहाँ पे इरेज कर देना होगा। आउटर पार्ट के इमेज को इरेज करने के बाद यहाँ पे डन बटन पे क्लिक करना है और फिर से आपको इमेज का ओपेसिटी बढ़ा देना है। यहाँ पे ओपेसिटी को आप 100% मत कीजिए, 90 से ऊपर का रखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ और फिर यहाँ पे डन बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद आपको फिर से ड्रॉ के ऑप्शन पे चले जाना होगा और फिर से आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। बट इस बार आपको सर्कल फिल नहीं करना है, एज अ स्ट्रोक सर्कल को ड्रॉ करना है। देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ और ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इमेज का जो आउटर पार्ट हमने इरेज किया था वो प्रॉपर तरीके से हर बार नहीं होता है, तो उसको ढकने के लिए यहाँ पे हम एज अ स्ट्रोक एक सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं। सर्कल को ठीक तरीके से एडजस्ट कर दीजिए।
और फिर सर्कल का जो ये ऊपर का हिस्सा है इसको हम इरेज कर देंगे ताकि ऐसा लगे कि हमारा जो सर है वो बाहर निकला हुआ है। हो जाने के बाद आपको फिर से टॉप राइट कॉर्नर पे जो डन का बटन है, डन के बटन पे क्लिक करना है, आपका इमेज रेडी हो जाएगा। अभी इस पे कुछ इफेक्ट्स हम लगाएंगे और इसको फिनिशिंग लुक देंगे। नीचे आपको इफेक्ट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इफेक्ट्स करके आप यहाँ पे देख सकते हो, इस पे आपको क्लिक करना है। इसके अंदर भी आपको कई सारे वेराइटीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इफेक्ट्स में से मैजिक को सिलेक्ट करके रखा है और मैजिक इफेक्ट्स में से आपको यहाँ पे दो इफेक्ट्स लगाने हैं, एक है नियो पॉप और दूसरा है POW करके। किसी भी इफेक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने नियो पॉप को सिलेक्ट किया है, डबल क्लिक किया है और यहाँ पे देखिए फेड को मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। आपके इमेज के कलर के हिसाब से आपको भी यहाँ पे एडजस्ट करना होगा। यहाँ पे फिर से मैं मैजिक इफेक्ट्स में जाता हूँ और यहाँ पे POW नाम का एक इफेक्ट आप देख सकते हो, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इस इफेक्ट को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। और हो जाने के बाद यहाँ पे ऊपर डन बटन पे क्लिक कर देंगे। हमारा इमेज रेडी हो चुका है। अभी यहाँ पे ऊपर जो नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आप इस इमेज को अपने गैलरी में सेव कर सकते हो या फिर किसी सोशल साइट में शेयर भी कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।